नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज चैनल। आइए देश दुनिया की खबरों से आपको कराते हैं। तालाब में तब्दील हुआ मुख्य मार्ग, फिर भी नहीं चेत रहा लोक निर्माण विभाग। पेहानी से शाहबाद जाने वाला मुख्य मार्ग पिछले कई वर्षों से अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रहा है, जिसको लेकर भाकियू लोकतांत्रिक संगठन ने कई बार जिला अधिकारी व अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग हरदोई को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, जिसके बाद मार्ग पर पैचिंग कार्य तो प्रारंभ हो गया परंतु बेहद मंद गति से चल रहे लेपन कार्य के चलते अन्यारी व बद्दापुर आदि गांवों के पास मार्ग अभी भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश में मार्ग पुनः तालाब जैसी स्थिति में तब्दील हो गया, जिस कारण मार्ग से निकलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। मार्ग से निकलने वाले बच्चे व राहगीर फिसलन के चलते दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, पर लोक निर्माण विभाग अपनी कुंभकर्ण वाली नींद से नहीं जाग रहा है, जिस कारण ग्रामीणों और राहगीरों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। संवाददाता रवि प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। शाहबाद तहसील को जोड़ने वाला यह मार्ग बहुत ही जर्जर तथा 10-10 फीट के गड्ढे हैं और कोई भी शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और भारतीय लोकतांत्रिक यूनियन ने 2-3 बार जिलाधिकारी को इसके विषय में ज्ञापन दिया था, फिर उसमें पैचिंग कार्य चालू हुआ और जिस कारण पैचिंग कार्य चलता रहा और अयारी गाँव में पैचिंग कार्य छोड़ दिया गया, उस कारण अयारी गाँव में इतनी गड्ढे और दुर्दशा हुई है कि स्कूली बच्चे तथा राहगीर आए दिन चोटिल होते रहते हैं और हादसे होते रहते हैं, लेकिन कोई किसी भी उच्च अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है। शाहबाद पिहानी जर्जर मार्ग को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन ने पिछले माह आवाजें उठाई, तमाम अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, जिसके बाद मार्ग पर पैचिंग कार्य शुरू हो गया है, लेकिन अत्यधिक गुणवत्ता विहीन कार्य होने के चलते अभी भी बहुत सी गड्ढे हैं, जहां पर राहगीरों का चलना मुश्किल है, वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे परेशान ग्रामीण पुनः आंदोलन के लिए विवश हो रहे हैं।